बारिश से हर जगह हाहाकार मचा, यहाँ संसद में भी मचा। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस से अमृतसर से सांसद है गुरजीत सिंह औजला। आप लोगों ने यहाँ नोटिस भी दिया हुआ है। बिल्कुल, हमारे माननीय टैगोर जी ने नोटिस दिया है अर्जेंट मैटर के तहत कि इस पर जरा सरकार इसके ऊपर जवाब दे, क्योंकि पार्लियामेंट में लीकेज हुई है और ये पूरे वर्ल्ड में गया है ये बात। तो ये बहुत दुख की बात है कि इतना अच्छा एक साल पहले पार्लियामेंट बना हो और अब लीकेज हो जाए, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है। एक शरीर की तरह है, बॉडी की तरह है, और मोदी जी ने बहुत चर्चा की है कि ये बेस्ट बना है ना। तो देखो सिक्योरिटी लैप्स इसमें हो गया, पानी इसमें लीक हो गया, अभी ये देखो बाहर तक ये 50-60 गार्ड इसको सिक्योर कर रहे हैं। कोई पार्लियामेंट के संसद के अंदर बात कर रहे हैं, लीकेज की बात कर रहे हैं? बिल्कुल अंदर, बिल्कुल अंदर हुआ है, बिल्कुल अंदर हुआ है। कब आपने लीकेज देखा, कब आपने? मैंने नहीं देखा भाई, आपके लाइव देखा जो आपने वो भी मेरे पास आया और हमारे जो विप है उन्होंने देखा। संसद लोकसभा की जब कार्रवाई चली तो अंदर पानी, 10 बजे तक कार्रवाई चल रही थी तभी लीक हुआ है, पानी लीक हो रहा था, बरसात हुई तब उसका डोम लीक हो गया। तो फिर आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, क्या आप मांग कर रहे हैं? अभी डिमांड की है, सरकार चर्चा करेगी इसके ऊपर, फिर बात रखेंगे। क्या पुराने संसद में इस तरह की बातें आपने कभी देखी? कभी कभी नहीं देखी, 100 साल हो गए कभी इस बिल्डिंग में ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। तो ये जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं उनको सजा देनी चाहिए। ये एक लीकेज की बात नहीं है, एक संसद की लीकेज, एक देश की सबसे बड़ा कह सकते हो हमारा गौरव है। 2 साल ही तो हुआ है उसको बने हुए, ये तो यही तो सवाल उनसे पूछने का है कि 2 साल में ये कैसा हो गया। वो कह रहे बड़ी छोटी सी बात है, बात छोटी सी है, बात बड़ी है। अब एक पानी, आप एक बरसात नहीं रुक पाई तो कहीं कोई और भी हादसा हो सकता है। इसके ऊपर इसका चर्चा करने की जरूरत है। ये थे कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला, संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।